दोस्तों, तो मैं अभी हूँ जॉल जी भी और सुबह के 7 बज चुके हैं। तो कल जब मैं धारचूला जा रहा था तब रास्ते में मेरे को एक दोस्त मिल गया महेश जंग करके। तो उसने बोला कि आप मुंशियारी जा रहे हो तो उससे अच्छा तो आप धर्मा वैली चले जाओ। तो धर्मा वैली से पंचचूली पीक्स बहुत ही पास में दिखते हैं और मेरा मेन मकसद यही था मुंशहरी जाके कि पीक्स क्लोजअप से देख पाऊँ मैं। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं मुंशहरी नहीं जा रहा हूँ, तो आज मैं जा रहा हूँ धर्मा वैली। और ये जो बंदा है महेश जो, उसका वो वहाँ से ट्रैक्स भी ऑर्गेनाइज करता है धर्मा वैली के, और कुछ जगह भी है वहाँ से। तो उसका वहाँ होम स्टे भी है और कुछ रूम्स भी है होटल टाइप। तो उसका कुछ काम है वहाँ पे, तो ही विल बी टेकिंग मी आल्सो टू धर्मा वैली। तो वो बोल रहा है कि धर्मा वैली से पंचचूली पीक सबसे पास में दिखते हैं। तो इसके लिए आई हैव डिसाइडेड टू स्किप मुंशहरी और मैं अभी वो जस्ट आ ही गया। तो अभी आज हम जाएंगे धर्मा वैली और हो सके तो हम वहाँ पे ट्रैक भी करने वाले अप टू 0 पॉइंट और देखेंगे आज अगर रिटर्न आ पाए तो, नहीं तो हम फिर कहाँ बीच में रुक जाएंगे और फिर कल शाम को मैं वापस जॉल जी भी आ जाऊँगा। तो इस हिसाब से अगर मैं मुंशहरी स्किप करता हूँ तो मेरे को फिर थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा। बट मेरे को लग रहा है कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया जाने वाला है क्योंकि मैं एकदम बहुत ही पास में जाने वाला हूँ पंचचूली पीक्स के, जो कि धर्मा वैली से बहुत ही पास में दिखते हैं। और बस बाइक रेडी हो गई है, पैकिंग ज़्यादा सामान लिया हुआ नहीं है, सिर्फ कैमरा गियर लिया हुआ है। और बस अभी हम निकलने वाले हैं 5 मिनट में। तो गाइस टेक केयर, मिलते हैं, बाय, गॉड ब्लेस। निकल रहा है गाइस। जैसे कल हो गया था फॉग, सेम आज सुबह हो गया इधर। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का, एकदम फॉगी वेदर है, जबरदस्त ठंडा भी है बट मजा आ रहा है। And we get sunlight. Wow. तो गाइस अभी हम धारचूला पहुंच गए हैं और अभी धूप आ गई है। थैंक यू, चाय मिल गई
सुबह तो बहुत ही ठंडा था यार, आई थिंक माइनस में रहेगा टेम्परेचर। और ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ही टफ रहा है, मतलब हाथ तो ऑलमोस्ट नम हो गए थे। और जस्ट अब भी धूप निकला है माउंटेन के बाहर, और ये हम अभी चाय पी रहे हैं दोस्तों। तारवा वैली यहाँ से कोई तो गया हुआ है। स्लिप होगी गाड़ी ना, नहीं उधर का काला है ना। फुटिंग नहीं मिल रहा है, वाओ गाइस लुक एट दिस। First challenge of the trip to cross this. And so मज़ा आने वाला है। कम ऑन यू कैन डू दिस। हाँ मेरे को भी डर लग रहा था, वो आ गया। इसमें क्या करेंगे बताओ? हाँ से फोड़ देंगे, इनको फोड़ देंगे। हाँ नहीं तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट। हाँ
टाउन में होती है। ना, मैंने गलत जगह से डाल दी गाड़ी। लोड आ गया ना। पास है कोई तो नहीं। इसको क्या करे? रुको, कुछ नहीं होगा, खड़ा हो जाए। ऑन करू? हाँ की। रुको रुको, बस बस बस। चला के लेके जाओ। इधर से ना, निकाल लो। जूता उतार, जूता उतार दो बोल रहे हैं क्या? बीत गया तो आज पहनने में बहुत ठंडा होगा। हाँ, सॉक्स भी निकाल देता हूँ। हाँ, पर ये तो बहुत ही बड़ा है। वो है ना पंचचूली? नहीं नहीं, ये तो नहीं है, यहाँ दिखते नहीं है। जूते जूते मेरे ऑलरेडी बिनसर में। हाँ, पाँव रखते ठंडा होगा फिर। वो तो होने वाला ही है। शूज इम्पोर्टेंट है, लेकिन सॉक्स रहने दो। सॉक्स हाँ, कि स्लिप नहीं होगा ना पाँव रखने में कहीं। हाँ, तो स्लिप होती नदी में। अच्छा अच्छा, शिट, सॉक्स तो सूख जाएगा आधे रास्ते में, कहीं भी ना निचोड़ लेंगे हाथ से। हाँ, सूख जाएगी क्योंकि इसमें वो मारने में किक बांध दे। नहीं नहीं, हाथ में पकड़ के ले जाता हूँ मैं।
पैर गए मेरे गाइस बेयर फुट। हाँ जय भोलेनाथ कम ऑन यू कैन डू इट। उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उस साइड प्रॉब्लम नहीं ना। इधर से उसका डेप ज्यादा है मैंने ऊपर से निकाल दिया पानी की वजह से ना पता नहीं चलता अरे बहुत ही बढ़िया है यार पूरे ट्रिप का यही मजा है। नांगलिंग टू व्याकासी ग्लेशियर 3 किलोमीटर और यहाँ से पंचचूली ट्रैक रूट चालू होता है। कोई भी नहीं ना अभी इधर। अच्छा
बस बस मेरे को लगा आप बैठे हो। इस साइड से बैठता उतर जाओ। हाँ गाड़ी अब जाते पीछे जा ही नहीं रही है तो उतर जाओ। गियर मारो। गियर में ही है। हाँ बट ये ग्रिप मेरे को ग्रिप ही नहीं मिल रहा नीचे। कम मारो टायर नहीं है। अच्छा पानी फेंक रहे थे ना। कुछ अटक गया क्या? कुछ नहीं अटक गया। अरे हाँ कटिंग होने दो।
साला बैठ जाओ ना एग्जैक्ट। हाँ कहाँ से कौन से पंचो चूली है आगे जा, आगे दिस इज कॉल्ड डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस। लुक एट द व्यू गाइस। वो वहाँ पे मेरा दोस्त का विलेज है। ब्यूटीफुल currently no one is staying in this village, everyone has gone down, they have hibernated, so during summers they will be again coming up here. Pura village khali hai, no electronic sound. Barf udti hui ye dekho, ऐसा लगता है यहाँ पे कम से कम 1 फीट की बर्फ है। यहाँ पे नीचे देखो, मेरा पैर पूरा नीचे चला गया है। लगता है ये रास्ते से कोई गया ही नहीं है 2-3 दिन। ये सिर्फ ट्रक के टायर के निशान है। यहाँ पे ITBP का लास्ट चेक पोस्ट है और अभी हम कुछ ही समय में पंचचोली का पीक्स देखने वाले हैं। वो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ब्यूटीफुल isn't it? सामान कैरी कर रहा हूँ, इसमें दर्शन हो रहा है।
पास सिर्फ 3 लोग ये बड़े से एरिया में माउंटेन्स की गोद में तो वो है 5 weeks 1 2 3 4 5 चढ़ नहीं पाए। अरे वो ग्लेशियर है ना बीच वाला, चढ़ नहीं पाया। वाह कितना पास में रहेंगे हम, 1 किलोमीटर इधर से ट्रैकिंग है क्या? ट्रैकिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाइस ट्रैकिंग वाला रूट है पंचचूली के 0 पॉइंट तक। तो गाइस अभी हम वापस निकले हुए हैं और टाइम हो गया शायद 1:30 और रिटर्न हमको जाना है जॉर्ज। ट्राई करेंगे अगर अंधेरे से पहले, अगर अंधेरा हो गया तो वहाँ पर भी हम स्टे करने वाले हैं। मज़ा आ गया। अभी तो 0 पॉइंट तक पॉसिबल नहीं है पंचचूली का क्योंकि स्नो बहुत है, अभी हमको चलने में दिक्कत आ रही है ये देखो, बट बहुत ही करीब गए थे और ये व्यू मुंशहरी से तो पॉसिबल नहीं था। मुंशहरी संजय सिंह देता नाम भूल जाओगे, इसमें रिकॉर्ड में रहेगा। और ये मेरे छोटे भाई संजय सिंह दत्ताल है और उनके भाई महेश जुंग आगे चले गए अभी, तो बहुत मज़ा आ गया थैंक्स टू देम। मैं तो पहले मुंशहरी जाने वाला था बट वहाँ से तो इतने पास में नहीं दिखता पंचचूली, तो थैंक यू गाइस और बैक टू पंचोली, सॉरी बैक टू जॉलजीबी बेस। Man, it was tough.
उनका आई थिंक पैर चला गया था पूरा, मेरा जस्ट थोड़ा, मेरा भी गया ऑलमोस्ट, हल्का हल्का गया था। गुड थिंग में, हाँ गुड थिंग में खाना खाने ना। नहीं नहीं बहुत हार्ड है वो, छोड़ दो छोड़ दो। अरे हमने लेट बोल दिया, मैंने इधर टर्न मार लिया था तब। ये ज्यादा ही है ना, चालू करू? इसमें टी है, हाँ एक मिनट ऑन करना पड़े। बंद करो पहले, कर देगा, रुक रुक, फुटिंग ही नहीं मिल रहा है। बैठू बैठू, मैं उतर गया ना, आपने फिर इधर बोला, फिर मैं लेकिन यहाँ पे बैंड करते यहाँ पे आता, अभी सीधा ले लेता ब्रेक दबाना मत, अपना गाड़ी निकल आगे निकले कर रहे, ब्रेक दबाना मत, नहीं ब्रेक चालू है, चालू है। हमारे यहाँ से, हाँ कट चुके हैं। ओ
तो ये मेरा दोस्त महेश जंग की यामा फेजर एस्कॉर्ट करते हुए चार